नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे चल रही है। दोस्तों, आप सभी बताना चाहेंगे, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। उस गुड न्यूज़ में क्या है, एक नोटिस वायरल हो रहा है दोस्तों। तो उस नोटिस में आपको जानकारी देना चाहेंगे कि उस नोटिस के माध्यम से आपको उसमें जो है आपका एग्ज़ाम छुट्टी दोस्तों की जानकारी आपको हो चुकी है और एग्ज़ाम छुट्टी आपका जो है 16 तारीख को 5 बजे से जो है आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है आपका एग्ज़ाम कब है और आपकी परीक्षा की किस पाली में है, कितने समय से है और कहां पर होगी, तो इसकी जानकारी जो है आपको उस नोटिस के माध्यम से बताई जाएगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संबंधी जो भी जानकारी आपको मिल रही है उसमें आज के नोटिस में यही बताया गया है। 15 अगस्त का नोटिस है, भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन और लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थियों के परीक्षा के जनपद के आवंटन की अग्रिम सूचना, मतलब आपका जो भी जिला आवंटन हुआ है उसकी अग्रिम सूचना क्या है, अग्रिम तारीख क्या रहेगी, उसके बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, क्या है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की आरक्षी नागरिक परीक्षा जो है 23/12/2023 के अनुक्रम में लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के 67 जनपदों में, दोस्तों आपके 67 जनपदों में जो है परीक्षा का आयोजन होगा और विभिन्न केंद्रों पर दिनांक 23, 24, 25 अगस्त 2024, 31 और 30 अगस्त को होगा दोस्तों। अब आपका एग्ज़ाम जो है दो पालियों में होगा, 10 से 12 और 3 से 5, दो पालियों में एग्ज़ाम होगा और पहली पाली जो है 10 से 12 होगी, दूसरी जो है 3 से 5 होगी दोस्तों। अब इसमें क्या बताया गया इन्होंने कि सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा जनपद नगर की सूचना जो है का लिंक भर्ती बोर्ड की वेबसाइट upvpb.gov.in पर दिनांक 16/8/2024 को साय 5 बजे प्रदर्शित किया जाएगा। शाम को 5 बजे जो है आपका डाल दिया जाएगा, आपका एग्ज़ाम छुट्टी वगैरह डाल दिया जाएगा शाम को। अभ्यर्थी अपना पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि के माध्यम से लॉगिन करके अपनी लिखित परीक्षा के परीक्षा जनपद नगर सूचना पर्ची को डाउनलोड करके चेक कर लें, आप चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी इसमें दिए गए दिशा निर्देशों के साथ साथ इस भर्ती की विज्ञप्ति दिनांक 23/12/2023 को भी पढ़ें, जो भी इसका विज्ञापन है इन्होंने मतलब जो है दिया है, इस विज्ञापन को भी 23/12/23 का विज्ञापन भी पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें, यह आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र नहीं है, ये प्रवेश पत्र नहीं है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए यह उस जनपद के आवंटन के लिए अग्रिम सूचना है जहाँ परीक्षा केंद्र स्थित होगा। जहाँ पर परीक्षा केंद्र होगा वहाँ की एक जो है आपकी एक अग्रिम सूचना आपको सूचना दे रहे हैं कि ये जो है सूचना कहाँ की है और यहाँ पर कहाँ पर आपको जो है सेंटर जारी किया जाएगा, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। उसके बाद क्या बताया दोस्तों, आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र आपका जो है निर्धारित तिथि के 3 दिवस पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर निर्गत किया जाएगा। आपका एडमिट कार्ड जो है आपका एग्ज़ाम जो भी होगा तो उससे 3 दिन पहले जो है भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा आपका एडमिट कार्ड। और आप भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपना पंजीकरण संख्या तथा जन्मतिथि अंकित कर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा जो है इन्होंने बताया गया, इस नोटिस के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है कि आप अपना एडमिट कार्ड जो है 3 दिन पहले एग्ज़ाम डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना एग्ज़ाम छुट्टी जो है 16 तारीख को शाम 5 बजे से भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, 2-4 दिन का जो भी समय बचा है उस 2-4 दिन में आप अपना रिवीजन कीजिए अच्छे से, जो है जो भी एक दो अगर नहीं आ रहा तो आप मैराथन देख लीजिए और पढ़ लीजिए अच्छे से, पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, पढ़ाई कर लीजिए। एक सीट आपको लेनी है, एक सीट में आपको अपना कब्जा करना है दोस्तों। तो अपनी तैयारी बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से करते रहिए, लगे रहिए मेहनत से, जिससे जो है आपका सिलेक्शन हो सके, आप जो है एक सीट अपनी हर हाल में पक्की कर सकें दोस्तों। और उसके बाद क्या है कि आपका OMR के लिए जो भी डिटेल, कैसी OMR आएगी और OMR भरने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो है नोटिस के माध्यम से आपको मिल ही चुकी होंगी। और कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए हो तो आप जो है हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है तो उससे संबंधित आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेहनत से अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको एक सीट हर हाल में लेनी है, बस आप अपना जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए अच्छे से, अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन से ही सब कुछ मिलेगा आपको, लास्ट में जो है सीधा रिवीजन ही काम में आता है। और रिवीजन अच्छे से कीजिए जिससे जो है आप लोगों का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, जितना भी जहाँ कहीं से नोट्स लिए बनाए हैं पढ़े हैं उसको सब एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। और जो भी टॉपिक अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस टॉपिक को दोबारा एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है उसे पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जिससे जो है आपको एग्ज़ाम में कहीं दिक्कत ना आने आए, और कोई दिक्कत आती है तो फिर समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, अपना एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से
अपना मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अभी जो भी 5-6 दिन आपको मिल रहे हैं, अगर जिसके एग्ज़ाम 30-31 को, तो उनके लिए तो अभी 15 दिन का समय, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से और मेहनत कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सत्य।